ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के इस महापावन पर्व पर महा एपिसोड के अंतर्गत आज का मेरा विषय है कि लिंग की पूजा क्यों और रात्रि में विशेष सिद्धि क्यों। आपने देखा होगा अक्सर महाशिवरात्रि को लोग रात्रि में जागरण करते हैं, अभिषेक करते हैं, बहुत सारी पूजाएं साधनाएं सिद्धि रात को करते हैं। आप सबके मन में सवाल उठता होगा कि गणेश, विष्णु, माँ दुर्गा सभी देवी और देवताओं की पूजा, हम उनकी सुंदर मन को लुभाने वाली मूर्तियों उनकी प्रतिमा की करते हैं। केवल महादेव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा लिंग के रूप में की जाती है। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो शिव ही जगत के आधार हैं, वे ही उत्पत्ति के कारक और देवों के देव, देवों के साथ दानवों के भी सर्वमान्य देव हैं। महादेव ही ऐसे देव हैं जिनके तीन नेत्र हैं, जिन्हें वेद हमारी अंतरात्मा का प्रतीक बताते हैं। और मुख्य बात यह है कि लिंग का पूजन एकेश्वरवाद का प्रतीक है, यानी परमात्मा एक है, स्वरूप अलग अलग है। कोई किसी रूप में पूजा करता है, कोई किसी और रूप में पूजा करता है। महादेव की पूजा तो किसी भी समय करें वे सुनते हैं, पर रात्रि में पूजन विशेष सिद्धि प्रदान करता है। पहला तो शिव संहार, शिव और तमोगुण यानी नेगेटिविटी के अधिष्ठाता है, इसीलिए उनको संहार काल की प्रतिनिधि रात्रि प्रिय है। रात्रि के आते ही सबसे पहले तो प्रकाश का संहार हो जाता है। अब देखिए, चंद्रमा यहां पर सुशोभित है, चंद्रमा मनसो जातक, जो रात को उदय होता है, इसलिए अगर सिद्धि प्राप्त करनी है शिव की तो रात को पूजा अर्चना करनी चाहिए, यानी अंधेरा छा जाता है। जीव जंतुओं और मनुष्यों की दैनिक क्रियाएं यानी भोजन, खाना पीना, चलना फिरना बंद होकर निद्रा की ओर जाते हैं, तो हमारी चेतना का संहार हो जाता है, पूरी सृष्टि अचेतन हो जाती है। अचेतन में चेतना यानी अनकॉन्शियस जो माइंड होता है उसको कॉन्शियसनेस में लाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए यह समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। आप देखिए कि आपको इंटरनेट की स्पीड सबसे ज़्यादा कब मिलेगी? रात्रि में, जब आप बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं, यानी उस सैटेलाइट से आप जल्दी कनेक्ट होंगे, तेज़ी से कनेक्ट होंगे, ज़्यादा आपको पावर मिलेगी। अब ज़रा गौर से सोचिए कि हम कहते हैं कि हमारा परमात्मा ऊपर है, तो ऊपर के जो सैटेलाइट से अगर हम ध्यान मुद्रा में बैठकर कनेक्ट करेंगे रात्रिकालीन में, तो हम जल्दी कनेक्ट होंगे, पूरी पावर के साथ कनेक्ट होंगे। तो यह परमानेंट आपके लिए एक प्रकार से सिद्धि प्राप्ति का समय हो जाएगा, तो हमारा जीवन बदल सकता है, इंद्रियों में सजगता आ जाती है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर तो रात में पूजा करने से ही बल्कि हर महाप्रदोष में भी आप संध्या काल के बाद रात्रि में अगर शिव की आराधना करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होंगे। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि भगवान तो सतयुग में प्रसन्न होते थे, आज कहाँ सुनाई देते हैं। ये रॉन्ग थिंकिंग है, ये नेगेटिव हमारी थिंकिंग है। हर युग समाया हुआ है, मतलब सतयुग में भी कलयुग था तो कलयुग में भी सतयुग है। आज भी ऐसे बहुत सारे आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे दुनिया में जो बिल्कुल सच्चे लोग हैं, और बुरे लोग भी मिल जाएंगे। ऐसा ही अगर लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध का जमाना अच्छा था या महावीर का जमाना अच्छा था, अभी हाल ही में बात करें गांधी जी का जमाना अच्छा था, तो गौतम बुद्ध प्रवचन में किसे समझाते थे? अगर सब लोग उस वक्त अच्छे ही थे तो फिर वो प्रवचन किसको देते थे कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, आपको मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो अगर सब लोग अच्छे थे तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो महावीर ऐसा कैसे करते थे? यानी हर युग में बुरे लोग भी थे, अच्छे लोग भी थे। इसलिए ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण में एक श्लोक आता है जिसके अनुसार हर युग में चारों युग समाये होते हैं। श्लोक है, कली शयनो भवति संजीहानस्तु द्वापरः उत्थिष्ठ त्रेता भवति कृत संपदेत चरण। यानी जो अज्ञान में सोया है वह कलयुग में पड़ा है, जो जाग गया है वह द्वापर में है, और जो उठ खड़ा हुआ वो त्रेता युग में है, और जो ज्ञान मार्ग पर चल पड़ा वह सतयुग में है। तो फिर आप क्यों
अज्ञान में सोए पड़े हैं। आयो, आओ, जागो, उठो और ज्ञान मार्ग पर चल पड़ो। आप सतयुग में पहुंच जाएंगे। सतयुग में पहुंचने का सीधा मार्ग भक्ति मार्ग है और महाशिवरात्रि से पावन पर्व कोई दूसरा नहीं है। कल मैं आपको बताऊंगा कि सारी मनोकामनाएं किस साधना से पूर्ण हो सकती हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय शंभो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार मेरे सभी प्रिय चाहने वालों, दर्शकों, मैं जब भी इन फूलों को देखता हूँ तब एक एहसास होता है कि फूल तो टहनी के सबसे ऊपर वाले भाग में उगे हैं, लेकिन फूल बनना जड़ से शुरू हुआ था, क्योंकि इसे खाद और पोषक तत्व जमीन से मिलते हैं। क्यों नहीं हम भी एक खुशनुमा जीवन को जिए। हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क के हर रोम में ऐसा फूल उगे। इसमें आपके जीवन में कांटे कौन बो रहा है, यानी मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के 9 ग्रहों का हाल, कि कौन से ग्रह आपके विरुद्ध हैं और कौन से आपके पक्ष में हैं। इसके लिए मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। मैं अपना फरवरी और मार्च महीने का स्केड्यूल दे रहा हूं। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 23 फरवरी को मैं दिल्ली रहूंगा, 16 फरवरी को मैं नेपाल काठमांडू रहूंगा और 24 फरवरी को चंडीगढ़, 28 फरवरी और 1 मार्च को मैं दुबई में रहूंगा। मार्च की बात करें तो 2 और 3 मार्च को मैं देहरादून में रहूंगा, 8 और 9 मार्च को सिंगापुर में रहूंगा, 10 और 11 मार्च को मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा, 16 मार्च को नागपुर, 17 मार्च को नासिक और 18 मार्च को मैं मुंबई में रहूंगा। 23rd यानी 23 मार्च को मैं सूरत में, 24 मार्च को बड़ौदा, 25 मार्च को मैं अहमदाबाद रहूंगा और फिर 29 मार्च को दिल्ली, 30 मार्च को लखनऊ और 31 मार्च को मैं पटना में रहूंगा। निश्चित रूप से हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी भोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों का खेल है, हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे कर्म है। लेकिन एक परामर्श, आपकी और मेरी मुलाकात निश्चित रूप से आपकी किसी समस्या का समाधान जरूर कर सकती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं, भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या, जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर, जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस, सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।